पूरी दुनिया में चाइना चर्चा में है, चाइना के बारे में बातें हो रही हैं। मैं भी बात कर रहा था अपने दोस्तों से, यार चाइना ऐसे है, चाइना से कोरोना वायरस आ गया, चाइना ने पूरी दुनिया को यार मुश्किल में डाल दिया। ये लोग कुछ भी खाते हैं, या कहाँ से ये वायरस आया, पहला पेशेंट कौन था, वुहान से आया। अब मेरे जैसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं चला गया चाइनीज ट्विटर यानी वेबो इंटरनेशनल पे चला गया मैं। ये एक चाइनीज वेबसाइट है जो कि ट्विटर की तरह है, यहाँ पर लोग ट्वीट करते हैं। मैंने ये सोचा कि किसी भी देश का जो आईना होता है वो वहाँ की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबो इंटरनेशनल क्या है, वीबो, ये जो वीबो नाम से है, साइनो वीबो नाम था इसका पहले, अब इसको वीबो बोलते हैं। ये एक तरह की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो कि चाइना में चलती है, जो लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज समझते हैं, चाइनीज खाते हैं, जो चाइनीज होते हैं वो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। और पहले मैंने यहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश की तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, मेरे को ये रजिस्टर करने नहीं दे रहा था, लेकिन भाई तुम्हारा जुगाड़ है, तो मैंने जुगाड़ करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया और फिर हो गया इजीली। वहाँ पर जाके मैंने सोचा मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ और देखूँ कि वहाँ पर अब पटरी पर लौटने लगी है ज़िंदगी इस आउटब्रेक के बाद, और ये जब ये वायरस फैला, तो मैंने लोगों से बात करने की सोची कि पूछूं वहाँ के लोगों से कैसे हुआ था, क्या हुआ था। मैंने वहाँ पर दोस्त बनाने की कोशिश की ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या इस वेबसाइट पर दोस्त बनाई जा सकती है। तो मैंने एक चाइनीज़ लड़की को मैसेज किया, मैंने लिखा हाय, उसका रिप्लाई आया हाय, और फिर मैंने बात करने की कोशिश की। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, मैंने बोला आप कहाँ से हो, उसने बोला चाइना। तो उसने मुझसे पूछा कि अभी आप कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं इंडिया में हूँ। तो उसके बाद उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने ये चीज़ समझी कि जैसे ही वहाँ पर लोग ये जानते हैं कि आप भारत से हैं, आप इंडिया से हैं, तो आपसे लोग इतना बात करना नहीं चाहते। और ये एक वजह भी हो सकती है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, चाइना में बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो लोग चाइना में बोलने की कोशिश करते हैं। एक भला मानुस मुझे मिला जो कि ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा था, गूगल ट्रांसलेट जैसी कोई सर्विस होगी उनकी जो कि ट्रांसलेट करती होगी इंग्लिश को हिंदी में, जो भी इंग्लिश को चाइनीज़ में, और जैसे भी। तो उससे मैंने पूछा और मुझे पता चला कि वो बोले कि अब हम रिकवरी फेज़ में, हम रिकवर कर रहे हैं और भारत के बारे में हमारे यहाँ बहुत बात हो रही है। उसने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर अब इस वायरस को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है बिजनेस की कि चाइना दूसरे देशों के साथ कैसे बिजनेस कर रहा है। उसने मुझे बताया और न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स भी दिखाए जो कि वीपो इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने चाइना की जो K95 मास्क की डील है उसे कैंसिल कर दिया है, उसे मना कर दिया, मतलब USA चाइना से कोई भी मास्क नहीं लेना चाहती है। वहाँ पर एक और न्यूज़ थी कि सुजुकी जो कि एक जापानीज ब्रांड है, जो कि एक जापानीज कंपनी है जो गाड़ियाँ वगैरह बनाती है शायद, वो भारत के लिए N95 या बहुत सारे मास्क बना रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो चाइनीज़ भी हैं और जापानीज़ भी हैं जो कि भारत के लिए जो चीज़ वो मैन्युफैक्चर करती हैं उसके अलावा वेंटिलेटर्स और बनाएंगी आगे चलकर, और मास्क वो प्रदान कर रही हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया को डोनेट कर रहे हैं थ्रू पैसा एंड जो भी मतलब मास्क वगैरह बना के ये सारी चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। एक ध्यान देने वाली और दुखद बात ये भी लगी कि उसका जो लोगो है, इस वेबसाइट का जो लोगो है, वहाँ पर डॉक्टर्स छपे हुए हैं और उन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये वीबो इंटरनेशनल या ये जो वीबो नाम की जो ट्विटर है चाइना का, ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर जैसे कोई बड़ी त्रासदी हुई हो और उसके बाद ज़िंदगी पटरी पर लौट रही हो। हालांकि वायरस के बारे में वहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सब बिजनेस के बारे में है। तो चाइना अभी सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहा है और वायरस से और इस चीज़ से वो उभर चुका है। क्या आपको ये वेबसाइट विजिट करनी चाहिए? जी नहीं, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। पहली बात तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये वेबसाइट पूरी चाइनीज़ में, हम लोग चाइनीज़ खाता है समझता नहीं है, बाबू भैया बोल के गए ना। तो बाबू भैया ने जैसे बोला था कि हम लोग सिर्फ चाइनीज़ खाते हैं समझते नहीं है, लेकिन मैंने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया था, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो पाई थी। यहाँ पर ये वेबसाइट दावा करती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी ऑडियंस है, लाइक लाखों में लोग, 6 लाख कितने लोग यहाँ पर आते हैं दिन के या जो भी, लेकिन यहाँ पर पोस्ट की रीट्वीट्स ज़्यादा नहीं है, लोगों के रिप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस, थोड़ा अजीब सा लगा। ज़्यादा लोग मुझे लगे नहीं यहाँ पर, लेकिन कुछ हैं भी, दावा तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग हैं नहीं। मेरे ख्याल से ये वेबसाइट आपके किसी काम की नहीं है, लड़कियाँ यहाँ पर रिप्लाई नहीं देती हैं, और जब उनको पता चले कि आप इंडिया से हो तो वैसे भी नहीं देती। पता नहीं इनको क्या दिक्कत, हमारे इंडिया में हैंडसम लड़के नहीं होते क्या? बहुत हैंडसम लोग होते हैं हमारे यहाँ, ये लोग इतने लकी नहीं है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था वीबो, एक चाइनीज ट्विटर का, और मैंने आपको बता दिया वहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है, किस चीज़ के बारे में लोग बात करते हैं, क्यों बात नहीं कर पाते, क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी चाइनीज़ पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, वहाँ पर इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक तरीका है कम्युनिकेट करने का,
किसी भी लैंग्वेज से आप किसी की इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, डम है, मतलब बेवकूफ़ हैं वो लोग। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं, और उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो लैंग्वेज एक तरीका है सिर्फ बात करने का, कम्युनिकेट करने का, अपने थॉट्स को दूसरे इंसान तक पहुंचाने का। इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में, हिंदी में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आपको कोई भी अंग्रेजी भाषा में चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखाऊंगा। आपके पास मौका है, घर में बैठे हैं आप, बाहर नहीं जा रहे, सीख सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।